Hello, assalamu alaikum everyone. My name is Kaleem Mughal and in this video I'll teach you the use of there ka istemal english ke andar kaise hota hai aur kis matlab mein hota hai aaj hum ye janne ki koshish karenge. To yaad rakhein, there ko hum english ke andar us waqt istemal karte hain jab hum किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस के मुतल्लक बात कर रहे हों, यानी कि देयर इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग. और इसका जो इस्तेमाल है उसकी जो एक यूजुअल कंस्ट्रक्शन है वो हमें देयर प्लस बी फॉर्म हमें मिलती है. मतलब ये कि हमें देयर के साथ इज, एम, आर, was, were और इस तरह की दूसरी जो बी फॉर्म्स हैं उनका इस्तेमाल कसरत के साथ देयर के साथ मिलता है. तो आए अब हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से इसकी कंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपके सामने वही कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि देयर प्लस बी फॉर्म हमें मिलती है. तो अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि किस तरह से हम इसका इस्तेमाल इंग्लिश की सेंटेंसेस के अंदर कर सकते हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग. तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, देयर्स अ बुक इन द बैग. तो यहां पर इस एक बुक के लिए, इसके एग्जिस्टेंस के लिए हमने देयर का इस्तेमाल किया. देयर आर कीज ऑन द टेबल. और यहां इस सेंटेंस के अंदर गौर करें तो ये प्लूरल फॉर्म में जो हमारे पास प्लूरल नाउन है कीज, इसकी इसके एग्जिस्टेंस के लिए हमने यहां पर देयर का इस्तेमाल किया. आगे चलते हैं तो देयर्स एन अर्जेंट मीटिंग इन द ऑफिस. तो यहां पर हम अब इस जो अर्जेंट मीटिंग है इसके एग्जिस्टेंस के मुतल्लक बात कर रहे हैं तो इसलिए हम देयर का इस्तेमाल कर रहे हैं. There's a train at 1:45. तो इस सेंटेंस के अंदर आप देखें कि ट्रेन की आमद होनी है, जिसमें जो हमें टाइम बताया गया है वो 15 मिनट कम 1 बजे का वक्त दिया गया है. तो उस वक्त उसका वहाँ पर एग्जिस्टेंस होगा उस ट्रेन का, तो वहाँ पर भी हम देयर का इस्तेमाल कर रहे हैं. आगे चलें तो हम यहाँ पर फिर दोबारा से देयर का इस्तेमाल देखते हैं. देयर विल बी अ पर्सन वेटिंग फॉर अस. यहां पर अब इस पर्सन की मौजूदगी, इसके एग्जिस्टेंस के मुतल्लक हम देयर का इस्तेमाल कर रहे हैं. आगे अब हम इसको देखते हैं जो कि नेक्स्ट सेंटेंस है. यहां पर देयर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमें मिल रहा है, तो यहां पर भी इसके साथ बी फॉर्म यहां पर हमें मिल रही है इसकी शक्ल में. तो क्वेश्चन ये है, इज देयर अ कैफे इन द बिल्डिंग. तो यहां पर हम कैफे जो है इसके एग्जिस्टेंस के मुतल्लक सवाल कर रहे हैं कि आया वो बिल्डिंग के अंदर मौजूद है. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वर देयर एनी बार्गेन्स इन द सेल. तो यहां पर ये दोबारा से एक क्वेश्चन है. यहां पर फिर देयर और इसके साथ बी फॉर्म वर की शक्ल में मिल रही है, और यहां पर हमें जो बार्गेन्स हैं इसके एग्जिस्टेंस के मतलब पूछा जा रहा है कि वहां पर कुछ आपस में गुफ्त शनीद हो सकती है. तो लिहाजा आगे हम अब देखते हैं तो नेक्स्ट सेंटेंस है, देयर हैव बीन सम रायट्स रिसेंटली. तो यहां पर वंस अगेन हम अब देयर प्लस बी फॉर्म हैव बीन की शक्ल में मिल रही है हमें, और आगे जाकर जो एग्जिस्टेंस हमें शो हो रहा है वो है रायट्स का, यानी कि कुछ दंगा फसाद, कुछ हंगामे वगैरह. तो हम रायट्स को हंगामों की जो सेंस है उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि देयर प्लस बी की कंस्ट्रक्शन में है. तो इस तरह से हम बहुत सारी एग्जाम्पल बना सकते हैं. तो ये एक और एग्जाम्पल है जो कि थोड़ी सी डिफरेंट
बी फॉर्म है, यानी कि हैव बीन के साथ अब माइट का इस्तेमाल कर दिया गया है। देयर माइट हैव बीन अ प्रॉब्लम विद हिम, तो प्रॉब्लम इसकी एग्जिस्टेंस का जिक्र हो रहा है, यानी कि इसके मुतल्लक बात हो रही है। तो इस तरह से ये वो डिफरेंट कह लें कि सेंटेंसेस हैं, ये मुख्तलिफ इस्तेमाल है देयर प्लस बी जो फॉर्म है उसकी कंस्ट्रक्शन को इकट्ठा करते हुए सेंटेंसेस की शक्ल में। आगे हम इस तरफ देखें तो यहां पर देयर का इस्तेमाल हमें अब कुछ डिफरेंट वर्ड्स के साथ मिल रहा है। मसलन वो वर्ड्स कौन से हैं, अ लॉट ऑफ, मैनी, मच, मोर, इनफ एंड नंबर्स। नंबर्स मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ऑनवर्ड्स। तो इनके मुतल्लक हम अब जानते हैं कि इनके साथ भी हम देयर का इस्तेमाल कर लेते हैं इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर। तो कुछ एग्जांपल्स देखें, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द रूम। तो यहां पर ये स्टूडेंट्स की मौजूदगी यानी कि इनका एग्जिस्टेंस बताया गया है कहां पर, कमरे के अंदर, मगर इस फ्रेज के साथ अ लॉट ऑफ के साथ, तो इसका इस्तेमाल यहां पर आपको नजर आया। अब आगे देखिए, देयर्स टू मच नॉइज इन हेयर। तो यहां पर अब देयर की कंस्ट्रक्शन है टू मच, मच का इस्तेमाल हो गया और एग्जिस्टेंस किसका है, नॉइज का। अगले सेंटेंस में देखिए, अब ये एक क्वेश्चन है, विल देयर बी इनफ फूड। तो यहां पर अब देयर का इस्तेमाल हो रहा है इस इनफ के साथ और एग्जिस्टेंस किसकी शो की जा रही है, इस फूड की। तो आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखें, देयर विल बी मोर बॉटल्स देन मैन। अब यहां पर मोर का इस्तेमाल हो रहा है इस देयर के साथ और यहां पर जो एग्जिस्टेंस है वो इन बॉटल्स का शो हो रहा है। आगे देखते हैं, देयर आर 31 डेज इन जुलाई, मतलब कि जुलाई के महीने में 31 दिन होते हैं। तो अब ये 31 डेज जो हैं, इनकी एग्जिस्टेंस का जिक्र किया जा रहा है। तो ये वो मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शंस हैं जो कि यूजुअली हम देयर के साथ इंग्लिश सेंटेंसेस बनाते वक्त करते हैं। अब एक और छोटा सा पॉइंट मैं यहां पर लास्ट पर आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि देयर और इट, यानी कि देयर और इट जो है वो किस तरह से इस्तेमाल इकट्ठा होता है कॉन्वर्सेशन के अंदर। तो याद रखें कि जब हम कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं, यानी कि कॉन्वर्सेशन चल रही हो, तो उसके दौरान हम किसी चीज की जो एग्जिस्टेंस है उसके मुतल्लक जब शुरू में जिक्र करते हैं तो उस वक्त हम देयर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मगर अगले ही फिक्रे में हम उस देयर की जगह जो हम इट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं उस चीज की एग्जिस्टेंस शो करने के लिए जिसका अभी थोड़ी देर पहले ही देयर के फिक्रे के अंदर इस्तेमाल हुआ और उसका जिक्र हुआ। तो लिहाजा ये दो मुख्तलिफ सेंटेंसेस के अंदर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता हूं कि फर्स्ट सेंटेंस में देखें, देयर्स अ मैन एट द डोर। तो यहां पर इस मैन की एग्जिस्टेंस शो हो रही है इस वर्ड देयर के साथ, यानी कि ये एक छोटा सा डायलॉग शुरू हुआ तो उसके अंदर उस शख्स का जिक्र हुआ इस देयर के साथ, मगर अगला ही जो सेंटेंस है जो जवाब के अंदर मिला डायलॉग के अंदर, तो उसमें अब देयर की जगह इट का इस्तेमाल किया गया, ओ इट इज अंकल अरशद। तो लिहाजा यहां पर वो जो शख्स मैन था, जब उसको जाकर देखा गया, पहले वो अननोन था और जब उसको जाके दरवाजे पर देखा गया, मिला गया, तो वो आगे से अंकल अरशद मालूम हुए। तो लिहाजा उस वक्त फिर हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब ये कि देयर को हम पहले फिक्रे में उसका इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस
के मुतलक जिक्र करते हुए, और फिर अगले ही फिक्रे में हम, जो कि जवाबी फिक्रा हो सकता है, तो उसके अंदर हम इट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसी देयर की जगह पर। तो लिहाजा ये वो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से आज की वीडियो के अंदर जो मैंने आपके साथ देयर के हवाले से डिस्कस किए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इनको याद रखेंगे और इनका बेहतर इस्तेमाल करेंगे। दैट्स ऑल, गुड बाय।